गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार सरकार, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी ज्ञान। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब वॉकी टॉकी में बात करेंगे तो कौन सा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि जो कम्युनिकेशन है वो ठीक से हो पाए। तो दोस्तों, और भी जो वॉकी टॉकी में बात करते टाइम कुछ टर्म्स, कुछ वर्ड्स जो यूज़ होता है उसके ऊपर भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। पहला जो पॉइंट है, आप इसको जो चैनल है उस चैनल को पहले सेट करके लेना चाहिए ताकि मतलब अगर चैनल क्लियर नहीं होगा तो फिर आपसे बात नहीं, कम्युनिकेट आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आपको चैनल सेट करना पड़ेगा ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है वो मतलब कम्युनिकेट आप कर पाएँ। तो दूसरा जो है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको कम्युनिकेट करने का टाइम, ये जो पुश टू टॉक मतलब PTT बटन्स है उसको प्रेस करके बात करना चाहिए। जैसे आपका बात ख़त्म हो जाता है तो आपको फिर उसको छोड़ देना है। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये जो बटन है इसको जैसे आप प्रेस करते हैं तो तुरंत जो है आपको बात नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा 2-3 सेकंड आप वेट करने के बाद ही जो कि बात कीजिए। अगर तुरंत करेंगे तो साथ साथ जो है आपका जो बात है वो शायद मतलब कहना हो सकता है कि दूसरे एंड में ना पहुंच पाए। प्रेस करने से पहले अगर आप बात कर देंगे तो भी मतलब जो बात है आपको दूसरे एंड में नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, जब आप बात कर रहे हैं तो आपका जो सेट है, जो वॉकी टॉकी है, उसको बिल्कुल मुंह के नज़दीक नहीं लेके जाना है। कम से कम जो है 3-6 इंचेस के दूर, मतलब जो है 3-6 इंचेस के अंदर ही आपको रखना है बात करने के लिए। उससे भी अगर ज़्यादा दूर करेंगे तो फिर बात क्लियरली नहीं पहुँचेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है, बात करते टाइम आपका जो सेट है, वॉकी टॉकी है, उसको आप इधर उधर मत घुमाइए। उससे भी आपका जो बात है वो भी मतलब ठीक से दूसरे एंड में नहीं पहुंचेगा, दूसरे के पास नहीं पहुंचेगा। दोस्तों, और एक चीज़ है, जब आप बात कर रहे हैं वॉकी टॉकी में, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, अगर आप वॉकी टॉकी में बात कर रहे हैं तो आप सीधा बात कीजिए, मुँह को मतलब टर्न मत कीजिए। ऐसे ऐसे टर्न करते करते आप अगर बात करेंगे तो भी मतलब जो है आपका जो बात है वो मतलब आप कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, आपका बात क्लियरली नहीं पहुंच पाएगा दूसरे एंड में। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है, जब आप बात कर रहे हैं तब आपको ध्यान देना चाहिए, बात जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो आपको ओवर बोलना चाहिए। तो ये जो टर्म्स है ओवर, ये बात ख़त्म होने के बाद अगर आप ओवर नहीं बोलेंगे तो फिर दूसरा जो बात कर रहा है आपसे, उनको समझ में नहीं आएगा कि आपका बात ख़त्म हो चुका है। देन उनको समझ में जैसे आ जाता है कि आपने ओवर बोल दिया तो फिर उन्होंने फिर ये बटन जो है पुश, PTT बटन जो है पुश करके उनको बात करना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, जैसे अगर आप बिज़ी हैं, अगर आपको कॉल आया है तो फिर आप अगर बिज़ी उनको बताना चाहते हैं तो आप उसको बताएंगे स्टैंड बाई। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल मतलब कहना ध्यान पे रखना चाहिए, अगर आप बिज़ी है तो आप स्टैंड बाई बोलेंगे तो दूसरे एंड में जो है जो बंदा है वो समझ लेगा कि आप बिज़ी है, मतलब थोड़ी देर में आप जब फ्री हो जाएंगे तो आप कम्युनिकेट करेंगे। तो ये स्टैंड बाई जो वर्ड है, जो शब्द है, इसको भी यूज़ करते हैं। जैसे आपने स्टैंड बाई तो बोला, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि आप रेडी हो गए? तो इसीलिए जब आप बात करना चाहते हैं तो फिर आप गो अहेड बोलिए, मीन्स आप अभी, मैं अभी रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार हूँ, ये बात मतलब उनको समझना चाहिए। तो गो अहेड अगर आप बोलेंगे तो फिर उनको समझ में आ जाएगा कि आप रेडी हो गया जो बात सुनने के लिए, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसीलिए गो अहेड जो टर्म्स है, जो वर्ड है, ये भी एक मतलब कहना यूज़फुल वर्ड है जब हम यूज़ करते हैं वॉकी टॉकी में बात करते टाइम। नेक्स्ट दोस्तों, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो अगर से अगेन आप बोलेंगे तो फिर वो समझेंगे कि आपको मैसेज जो है क्लियर नहीं हुआ, इसलिए फिर दोबारा जो है वो बताएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट जो है, ये चीज़ जो है, बिल्कुल जब आपका बात हो गया
लास्ट में हम रॉजर बोलते हैं, तो रॉजर मतलब आपने बात समझा, आपका मैसेज मतलब कहना पूरा क्लियरली आप समझ गया है, तो बात ख़त्म हो गया है। तो इसलिए आप जब लास्ट में आप बताएंगे रॉजर, तो मीन्स उनको भी समझ में आ गया कि नहीं आप समझ गए, आपका जो मैसेज था वो आप समझ गए, तो आपका भी बात ख़त्म हो गया, तो इसीलिए पूरा जो ओवर हो गया, मतलब रॉजर मीन्स पूरा समाप्त हो गया कम्युनिकेशन। तो इसीलिए रॉजर मीन्स पूरा जो कम्युनिकेशन है वो समाप्त करने के लिए जो वर्ड है, जो टर्म्स है, वो है रॉजर। तो दोस्तों ये सारा चीज़ जो है मैंने आपको बताया, तो ये सारे चीज़ों को जो है ध्यान देना पड़ता है कम्युनिकेट करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी जो है आपको पसंद आए, आपको इससे कुछ सीखने को मिला। तो अगर अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जी अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।